हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस वर्ष क्लास फिफ्थ पास की होगी और नवोदय विद्यालय प्रवेश पात्रता परीक्षा यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने वाले होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको एडमिट कार्ड व एग्जाम हॉल में आंसर शीट कैसे फिल करना है, इससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है उन्हें दूर किया जा सके। JNV का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल या PC लैपटॉप जो भी आपके पास है उसके क्रोम ब्राउज़र पे जाना है आपको और उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एक पेज खुलता है। यहाँ पर गूगल के नीचे लिखा हुआ है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एक वेब एड्रेस डालना है cbseitms.nic.in। जैसे ये टाइप करने के बाद आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाता है नवोदय विद्यालय समिति का। इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा जिसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, पहले ही आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा। तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो आपको जब आपने अप्लाई किया था JNV के लिए तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उसे आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप होने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को फिल करना है। तो ये बगल से जो बना हुआ है ब्लू कलर में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसके लेफ्ट में जो बटन्स हैं उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ईयर पे पहुंचेंगे और उस मंथ के कैलेंडर में पहुंच जाएंगे और जो भी डेट उसको क्लिक करेंगे तो वो डेट अपीयर हो जाएगी वहां पर। इसके बाद कैप्चा में यहां पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। जैसे यहां 75-31 दिया है तो मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा तो 44 आएगा, यही इसका आंसर है। तो जैसे हम ये फिल करेंगे साइन इन का ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई हो जाता है। नीचे दिया है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, जैसे ही क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं हमें हमारा एडमिट कार्ड स्क्रीन पे मिल जाता है। इसमें राइट साइड में कैंडिडेट की फोटो है और उसके नीचे सिग्नेचर, यही सिग्नेचर आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पे भी करना है। अब देखिए डेट और टाइम दिया 13 अप्रैल 2020 11:30 AM to 1:30 PM और उसके ठीक नीचे रोल नंबर दिया है। तो ये रोल नंबर आपको याद रखना है, टाइमिंग देख लेना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है उसको भी देख लेना है और टाइम से आपको एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचना होता है। इस एडमिट कार्ड में आपके बारे में सारी जानकारी दी हुई होती है और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपने स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल जो भी हैं उनका सील सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवाना है, तभी ये एडमिट कार्ड आपका वैलिड माना जाएगा। फोटो के ठीक ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया है तो आप इसको प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एज PDF आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NVS नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और उसे सेव कर लेंगे, फिर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। इस तरह से एडमिट कार्ड हमें मिलेगा और इसी एडमिट कार्ड को लेके एग्जाम हॉल में जाना है जिसमें कि आपके स्कूल के हेडमास्टर के सील और साइन होने चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आखिर एग्जाम्स में आपको आंसर्स कैसे लिखने होंगे और आंसर शीट को कैसे फिल करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इसको फिल करने में थोड़ी सी भी गलती आपको आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, भले ही आपसे पूरा ही पेपर क्यों ना बन गया हो। तो आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है आंसर शीट्स फिल करते वक्त। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा और साथ में पेपर सेट का आपको एक कोड मिलेगा, ABCD ऐसे करके लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट पे भी एक ऐसा ही कोड होगा, याद रखिएगा। ये आंसर शीट में आपके पास ए कोड दिया है तो क्वेश्चन बुकलेट में भी ए कोड ही होना चाहिए। अगर ये कोड अलग है दोनों में तो आपको चेंज कर लेना है, आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि दोनों के कोड अलग अलग हैं तो वो सेम कोड का आपको देंगे। जो कोड आंसर शीट में वही कोड
क्वेश्चन बुकलेट में भी यानी टेस्ट बुकलेट में भी होना चाहिए। आंसर शीट इस तरह से होगी, दो पेज की, ये फर्स्ट पेज है और उसका ये सेकंड। अब आइए देखिए फिल कैसे करना है। तो आइए आते हैं इसके फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पे आपको पहला क्या फिल करना है, अनुक्रमांक या रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा है। तो इसे आप किससे फिल करेंगे, या तो ब्लैक बॉल पेन से या ब्लू बॉल पेन से। जेल पेन का यूज कहीं पे भी नहीं करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख लेता हूँ, कोई भी रोल नंबर जो मेरे एडमिट कार्ड में लिखा था। रैंडमली मैंने कोई भी रोल नंबर जो मेरे एडमिट कार्ड पे लिखा था वो ने लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि मिस्टेक कम से कम हो या ना के बराबर हो, आपको मिस्टेक नहीं करना है, कहीं पे भी करेक्शन का की जरूरत ना पड़े। तो देखिए पहले पेज पे हमें ये फिल करना है और सिर्फ यही फिल करना है रोल नंबर। अब इस पेपर के दूसरी तरफ आते हैं, पेज के दूसरी तरफ साइड टू, प्रेस टू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है जो आपने फर्स्ट पेज पे लिखा था, तो वही अनुक्रमांक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ जो सर्कल बने हैं इनको डार्क करना है। डार्क आप पूरी तरह से करेंगे, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, कंप्लीट इसको डार्क करना है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। तो मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है बॉल पेन का, तो इसी से मैं करूँगा। अब मैं देखूँगा वन कहाँ पर लिखा है। तो देखिए ये सर्कल के अंदर वन लिखा है, तो मैं ये वन वाले कॉलम सर्कल को पूरी तरह से मैं इसको फिल करूंगा। इसी तरह से आपको भी करना है, डार्क करना है, इतना डार्क भी नहीं करना कि ये आपकी ये सीट जो है ये फट जाए, क्योंकि ये चेकिंग जो होती है वो MR मशीन से होती है। तो यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं होता है कि आपको जो है उसको मान कर लेगा, जो सही है तो सही है। जिस अगर आपने कंप्लीट फिल किया है तो आपको उसको वैल्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको ठीक से फिल करना है। जैसे टू लिखा है तो आपको टू वाले कॉलम में, देखिए टू यहाँ पे लिखा है, तो सर्कल में आपको इस तरह से डार्क कर लेना है, टू से फिल करना है। फिर थ्री, थ्री कहाँ लिखा है, ये देखिए थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे वो नंबर कहीं ना कहीं लिखा होगा और आपको उसको फिल करना है। सर्कल को पूरी तरह से डार्क कर लेना है, पूरी तरह से फिल कर लेना। आप देखिए फोर लिखा है तो फोर यहाँ पर है, नंबर के नीचे जो भी कॉलम है उसमें आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। फाइव, ये फाइव है, फिर जीरो, जीरो ये लिखा हुआ है तो जीरो आप इसको फिल करेंगे, जीरो वाले सर्कल को आप डार्क कर लेंगे। ये आप याद रखिएगा रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रोल नंबर हम फिल कर रहे हैं। और ये एट, एट ये लास्ट में। इस तरह से हमने रोल नंबर या अनुक्रमांक फिल कर लिया है। इसमें लिखा है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये आप ही को करना था इसलिए इसे आप फिल कर रहे हैं। अब लिखा है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, तो जो बुकलेट में आपको नंबर मिलता है वो नंबर आप फिल करते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे 2022108, ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, टेस्ट बुकलेट नंबर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ये नंबर लिखा होगा। जो भी नंबर आपके उसमें लिखा रहे वो आपको यहां फिल करना है। और अब देखिए टू है तो टू के नीचे ये जो भी सर्कल है इसको हम फिल करेंगे, फिर ये जीरो है तो जीरो फिल करेंगे, उसके बाद टू लिखा हुआ है तो नीचे कॉलम में जाएंगे, टू यहां पर लिखा है तो टू को हम इस सर्कल को फिल करेंगे, फिर टू लिखा है तो यहाँ पर फिर से टू को फिल करेंगे, इस सर्कल को कम्प्लीटली फिल करेंगे। और ऐसा फिल करेंगे कि जो हम डार्क बना रहे हैं ये सर्कल के बाहर ना जाए। यहाँ वन लिखा है तो वन को हमने इस तरह से फिल कर लिया है, फिर जीरो, जीरो यहाँ लिखा है तो जीरो यहाँ पे क्लिक करेंगे,
जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जीरो वाले सर्कल को डार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, एट, एट के नीचे ये एट वाला सर्कल है, इसको हम डार्क करेंगे। अब अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो लिख लेते हैं। सपोज नाम क्या है, आर्यन सिंह, आर्यन सिंह। और क्या फिल करना है, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो आपको जैसे फादर्स नेम है गोविंद सिंह, गोविंद सिंह, इस तरह से आप ये फिल करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम दिया है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, तो जो भी आपके एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर होंगे उनके द्वारा ये फिल किया जाएगा, तो आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है। एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा, और ये जो नंबर है ये आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा उसमें ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये नंबर आपका आंसर शीट का नंबर नहीं, बल्कि क्वेश्चन बुकलेट में जो नंबर लिख के आएगा पेपर के साथ उसमें होगा। अब इसमें और क्या फिल करना है आपको, इस पेपर के लास्ट में, पेज टू में लास्ट में आपको दिया है सिग्नेचर्स ऑफ इन्विजिलेटर, तो ये जो एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर आएंगे वो फिल करेंगे, और यहां पर भी आपको फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां फिल करना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, रुकना नहीं है। रनिंग हैंड मतलब जो भी सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर बना हुआ है वही सिग्नेचर आपको यहां पे करना है। तो सपोज ऐसा सिग्नेचर मैंने वहां बनाया था, सपोज तो मैंने यही सिग्नेचर यहां बना दिया है। एडमिट कार्ड में इस तरह से अगर सपोज हमारा सिग्नेचर था तो हमें ऐसे ही सिग्नेचर यहां पे भी करना है, और कोई भी करेक्शन नहीं करना है सिग्नेचर में, वाइटनर या किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करिए कि एक बार में ही आपका सही सिग्नेचर यहाँ पे आ सके। अब आंसर्स कैसे हमें देने हों, जैसे क्वेश्चन नंबर वन का सी ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वन के सामने जो ऑप्शन ए बी सी दिए हुए हैं तो सी वाले को डार्क कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, सपोज इसका बी सही है तो बी वाले सर्कल को जिसमें बी लिखा है उसको अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे, पूरी तरफ फिल कर लेंगे, आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।